गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का दिता स्वरूप है अजे सैकड़े स्वरूप बिरद होकर बिरस रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचला शब्द, शब्द विचला ज्ञान और साढ़े गुरु ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, उस ज्ञान अनुसार अपना जीवन सवारना ही गुरु के दर्शन करने। गुरु के दर्शन करने तो भाव ही यह है कि अपना आपा भाव गवा के अपनी जीवन जुगत गुरु सिक्ख्या अनुसार बनाउणी ही गुरु के दर्शन करने ने, गुरु का मिलाप है। सो गुरु के हुक्मां ते चलने, गुरु के उपदेशां ते पहरा देने, आओ असी अपना जीवन गुरु हुक्मां अनुसार सवार के गुरु के दर्शन कर ले। केवल नेत्रां नाल देखण की गल नहीं, नेत्रां नाल तां सज्जन ठाकुर ने भी वेख्या है। जो गुरु नानक पातशाह महाराज ओदे कोल पाकपटन की धरती ते पहुंचे ने, ते नेत्रां नाल सज्जन ठग ने भी गुरु नानक पातशाह महाराज नूं वेख के मन च सोचिया है चंगी सरमाए दा सामी आई है, चोखा धन मिलेगा। जदों सतगुरु जी एक कमरे च बैठ गए ने, ते सज्जन ठग सतगुरां लई वधिया पकवान लैके आया है, पर सतगुरां ने पकवान छकण तों इनकार कर दिता है। मेरे मालक पिता ने सूही राग विच शब्द उच्चारण किया है, जिस शब्द नूं सुनदिया सारी सज्जन ठाकुर नूं अपनी असलियत नंगी हुंदी दिखाई पई, अपने कुकर्मां दा पाप गुड़दा है दिखाई पया है। ये सतगुरां दे चरणां च ढह पया है, गिड़गड़ाया है, रोया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ मेरे गुनाहां नूं माफ कर दिओ, मैं अपना अगला जीवन आपकी सिक्ख्या अनुसार सवार। बदलाव कदों आया है? जदों गुरु नानक पातशाह शरीर के दर्शन किए ने जां शब्द नूं सुनिया है। शरीर के दर्शन करना बदलाव नहीं आया, शरीर के दर्शन करना बख्शिश नहीं हुई। बख्शिश कदों होई है? जदों गुरु दे सिक्ख्या नूं, गुरु दे शब्द नूं अपने जीवन का आधार बना के एक सज्जन ठग तो भाई सज्जन बन गया। गुरु के प्यार वालियो माफ करना, सज्जन ठग ने एक शब्द सुनिया सी ते उसने अपना जीवन गुरु आशे मुताबक जीवना आरंभ कर दिता, अपनी जीवन जुगत गुरु सिक्ख्या अनुसार बना के गुरु की बख्शिश का पात्र बन गया। असी एक नहीं हजारां ही शब्द कीर्तन दरबारां राही सुन ले, असी एक नहीं हजारां ही शब्द खंड पाठां दी लड़ियां राही सुन ले, असी एक नहीं हजारां ही शब्द गुरुद्वारे सहज पाठ पढ़दिआं करदिआं शरण कर रहे ने, पर साडे जीवन विच बदलाव कोई नहीं आया। सज्जन ठग ने एक शब्द सुनिया ते ओहदे अनुसार अपना जीवन सवारदिआं गुरु दे दर्शन करन दा ढंग सिख लिया। कौडा राक्षस जिसने गुरु के दर्शन शरीर के जो दर्शन किए बदलाव कोई नहीं आया, उदों तो मन च ख्याल सी कि मैं इन्हां नूं जानो मार दवांगा खा लवांगा, पर जदों गुरु के शब्द नूं सुनिया है एक कोटे राक्षस तो पाई कौडा बन गया है, मनुखता की सेवा विच लग गया है। यह बदलाव कदों आया है? शरीर के दर्शन करन नाल नहीं आया। गुरु के शब्द अनुसार जीवन सवारिया, गुरु आशय अनुसार अपने जीवन नूं बनाया, कदों यह रहमत होई। आओ असी भी गुरु के दर्शन करन दा ढंग सिखीए ते अपना जीवन गुरु आशय अनुसार सवारदिआं गुरु के सच्चे दर्शन कर लईए। अज हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच बैठे हुए हैं, सतगुरां कोलों दर्शन परसन की विधि विधान सिख के हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के कोलों सदीवी दर्शना की शो प्राप्त करके अज मालक के दर तो रुखसत होना है, विदा होना है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अपने दर तो गुरु के दर्शन करन दा, प्रभु के दर्शन करन दा जो ढंग पे दसते ने, तरीका पे दसते ने, उन्हूं अपनी झोली च पवा के लैके जाना है ताकि सानू सच्चे गुरु के दर्शन हो जा, सानू पता लग जाए कि साडा गुरु केड़ा है, असी गुरु के दर्शन किवें करदे ने। सानू सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश पिया करदे ने। एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई,
सुन मीता जियो हमारा बल बल जाती हर दर्शन देव दिखाई। सुन मीता धूरी गोबर जाई ए मन तेरा भाई पाम मलोवा मल मल धोवा ए मन तैंपू देसा। सुन मीता वो तेरी शरणाई आया हे मेरे मित्र मैं तेरी शरण विच आया वा। हे मेरे प्यारे मित्र मैं अपना मन तेरा आज्ञाकारी बनाने तैयार हां तू मेरा भरा है मेरे ते कृपा कर मेनू उपदेश बख्श ताकि मेरा प्रभु ना मलाप हो जाए मेनू अजेही सूझ बख्श अजेही शिक्षा बख्श जिससे चल के मैं प्रभु दे दर्शन कर लवां। पहले तिना दो बंदा विच जिज्ञासु दा सवाल है कि परमात्मा दे दर्शन किवें होण परमात्मा दा मलाप किवें होवे उस जिज्ञासु दे इन सवाल दा उत्तर शब्द दे अगले बंद विच दिता है की उत्तर दिता है की ढंग बख्शिया है उसनु समझना है ते अपने जीवन च अपना के गुरु दे दर्शन करन दा ढंग सीखना है। सतगुरु पिता वचन पे करदे ने मान ना की जाए शरण पई जाए करे सो भला मनाइए। ए भाई हंकार नु छड़ दे मन करना छड़ दे गुरु दी शिक्षा अनुसार अपना जीवन सवारना आरंभ कर दे यही गुरु दी शरण विच पैना है। जो गुरु ने तेरी हुक्म कीता है उस हुक्म ते पैरा देना आरंभ कर दे तेरे जीवन लई सब तो वड्डा भला यही है। मान ना कीजे शरण परिजे करे सो भला मनाइए। सुनमीता जियो पिन सब तन अर्पी जै इउ दर्शन हर जियो पाई। आपा भाव गवा के अपने जीवन गुरु आशे मुताबक बना लेना ही परमात्मा दे दर्शन करना है गुरु दे दर्शन करना है। भयो हुन गुरु प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक को गुरु कृपा धारी अकुल निरंजन डीठा। गुरु दे प्यार वालियो आ जो परमात्मा दे मलाप दा तरीका जदो मैं संत जना दी संगत विच बैठ के गुरु दे उपदेश नु कमाया मेरे ते ऐसी कृपा होई पाव गुरु ने मेनू ऐसी मत दे दिती मैं हर जगह ते रमिया होया परमात्मा वेख लिया हर जगह ते रमी हुई ओदी जोत मेनू दिखाई पै गई। सतगुरु सच्चे पातशाह इक जगह होर गुरु दे दर्शन करन दा परमात्मा दे सच्चे दर्शन करन दा ढंग पिया दसदे ने वचन करदे ने अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरु बाणी चो प्रीत सो परसन। हे भाई जिस मनुख दे हृदय विच गुरु दी कृपा नाल परमात्मा प्रति प्यार बन गया है मन उस मनुख ने परमात्मा दे दर्शन कर लिए। जिस मनुख ने गुरु दी बाणी नाल प्रीत पा ली ओदे अनुसार जीवन सवारना आरंभ कर दिता उस मनुख नु परमात्मा दे दर्शना दी जो प्राप्त हो गई। अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरु बाणी सो प्री सो प्रसन अहरत निर्मल ज्योत जगाई कट दीपक गुरमुख जाता है। क्योंकि उस मनुख नु हर जगह परमात्मा दी ज्योत पसरी हुई दिस पैंदी। जिस मनुख ने गुरु दी मत अनुसार अपना जीवन सवारना आरंभ कीता ओदे हृदय विच ज्ञान दा ऐसा चानण होया है ज्ञान दा दीवा दिन रात जगदा रहिंदा है। ए रब्बी ज्ञान गुरु पासों प्राप्त होया है ते ए ज्ञान आत्मा दी ऐसी खुराक है सह वचन करदे ने जिस मनुख ने इस ज्ञान दी खुराक नु खादा है पाव जिस मनुख ने इस ज्ञान नु धारण कीता है उस मनुख नु परमात्मा दे दर्शन हो गए। भोजन ज्ञान महारत मीठा जिन चाखिया तिन दर्शन डीठा दर्शन देख भए बैरागी मन मनसा मार समाता है। जिस मनुख ने गुरु नाल प्रेम पाके रब्बी ज्ञान दैवी गुणा नु हृदय विच वसा लिया मन उस सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरु दे परमात्मा दे दर्शन करन दे किवें प्राप्त होण ओदा ढंग सतगुरां ने अमृतमई पावन बाणी विच अनेकां शब्दां राहीं सानू दिल कराया। मैं अपने सतगुरां तों बलिहार जाना हां कुर्बान जाना हां
जिन्हां ने साडे वर्गे अनपढ़ां नूं मूर्खां नूं जिथे बाणी ते शब्द राही परमात्मा दे दर्शन किवें हो सकदे ने इह ढंग जिहड़ा कराया है उत्थे अपने कोतकां राही भी सानूं इह गल समझाईए कि तेरा गुरु कौन है ते तू गुरु दे दर्शन किवें करने ने। साधु सच्चे पातशाह ने बड़ा सुंदर कोतक वरता के इह सिक्ख्या दे कराई। करतारपुर की धरती ते गुरु नानक पातशाह महाराज ने धानकां वाला रूप अख्तियार कर लिया। पाटे कपड़े गल च पा रहे ने, जंगल वाल नूं तुर पए ने, सतगुरां दे विहार नूं देख के सुभा नूं देख के लोक एक वारी बुखला उठे ने, हैरान हो गए ने कि सतगुरां ने कि किस तरह का लिबास धारण कर लिया है, ये किस तरह का भेत बना लिया है। मेरे मालक पिता जंगल नूं भज उठे, सतगुरु दे प्यारे अपने प्यारे सतगुरां दे मगर मगर तुरे आ रहे ने। सतगुरु अपने हाथ विच इट्टां पकड़दे ने, रोड़े पकड़दे ने, इट्टां रोड़े पकड़ के उन्हां लोकां नूं लगा के मारदे पए। जन्म साखी वाला लिखता है कि सतगुरां दे पासों वाले बन्नेओ आ रहे इट्टां रोड़ियां तों बचण लई बाबा बुढ़ा जी एक ब्रिक्ष के ओले हो गए। भाई लहणा जी सतगुरां दे सच्चे आशक सच्चे प्यारे इन्हां नूं इट्टां रोड़ियां पत्थरां की कोई परवाह नहीं है, ये अपने सतगुरां दे मगर मगर तुरी जा रहे। अनेक लोग टोलियां बना के सतगुरां नूं लभण लई गए ने पर उन्हां नूं कोई पता नहीं लगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह किधर निकल गए। गुरु नानक पातशाह महाराज भाई लहणा जी की अगवाई करदिया होया जंगल च बहुत दूर निकल गए। इधर करतारपुर के आले दुआले के पिंडां विच हाहाकार मच गई है कि गुरु नानक पातशाह महाराज ने धानकां वाला रूप अख्तियार करके जंगल वल भज उठे। हर पासे हाहाकार मची हुई है पर यह गल भी जंगल की अग तरह फैल गई कि गुरु नानक पातशाह महाराज अपने प्यारे साथी भाई लहणा जी के नाल सही सलामत अपने स्थान से आ गए। जिहड़े लोग गुरु नानक पातशाह महाराज नूं जंगल विच छड आए सन उन्हां ने अपनी भुल बख्शाउण लई सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणां ते हुम हुमा के पहुंचे। संतां दा दीवान लगा होया है, सतगुरु सच्चे पातशाह संतां नूं उपदेश पया करदे आ। अचनचेत सारी संगत नूं संबोधन करके पुछया है कि गुरु दे प्यार वालियो कल तुसीं मैनूं जंगली जानवरां दी खराक बनण लई जंगल विच क्यों छड आए सी। इह सुणदिआं सारे पासे चुप वरत गई, शर्मिंदगी नाल धौणा नीवियां कर लईआं ने। मेरे साथी सच्चे पातशाह ने अपने बचनां नूं फिर दोहराया है कि प्यारिओ कल तू भयानक जंगल विच क्यों छड आए सी। इक गुरसिख गल विच पल्ला पा के बड़ी हिम्मत नाल उठिआ है तो कह लगा सतगुरु जीओ कल ताडे शरीर विचों रोजाना वाली दैवी सूझबूझ सानू दिखाई नहीं सी पई। इह कहण दी देर सी मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने घुट के गल वकड़ी च लै लिया है ते सतगुरु सच्चे पातशाह कह लगे प्यारिया गुरसिखा अज तू सिद्ध कर दिता है मेरा यह शरीर तेरा कुछ नहीं लगता, इस शरीर राही जो ज्ञान प्राप्त होया है ओही तेरा गुरु है, ओही तेरा गुरु है। शरीर ने बदलते रहना, शरीर नाशवंत है। जो तुम इस शरीर विचों ओ दैवी सूझबूझ दिखाई नहीं पई तो तुसी मेरे शरीर नूं जो अजे जीवत ही सी इस जंगल विच छड आए। अज की गल कदे ना भुलना, इस शरीर नाल ताड़ा कोई संबंध नहीं, इस शरीर ताड़ा गुरु नहीं, गुरु केवल ना केवल गुरबाणी, गुरबाणी का ज्ञान गुरु। शरीर नाशवंत ने, इन्हां ने बदलते रहना है, शरीरां दे विछोड़े कारण तुसी सोग ना करना, पर याद रखियो किते ज्ञान का विछोड़ा ना चल लैना, तुसी अपनी अजोकी नुहार गवा बैठोगे
ताड़ी हालत उस कुकर वर्गी हो जाएगी जो ना घरदा रहता है ना घरदा रहता है। अज का फड़िया होया ज्ञान का लड़ कभी ढिला ना पैण देना। ये ज्ञान ही एक वसीला है जिस सदका तुसी मेरे नाल जुड़े रह सकते हो, जिस सदका तुसी मेरे नाल बचन बलात कर सकते हो। ज्ञान ही एक वसीला है जिस सदका तुसी मेरे दर्शन दारे कर सकते हो। इस ज्ञान के लड़ नूं ढिला ना पैण देना, ये ज्ञान ही ताड़ा गुरु है। पर बदकिस्मती साड़ी इस ज्ञान नाल संबंध तोड़न लई ज्ञानहीन बनाउण लई अजिहियां साखियां रच के सानू फिर शरीरां दी पूजा वल तोरिया जा रहा है।